डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी छोटी सी जर्नी अपनी। वो इतनी छोटी जर्नी है कि कुछ लोग तो देखकर हंसेंगे कि जुम्मा जुम्मा चार दिन नहीं हुआ, ये आई लोगों को मोटिवेट करने वाली। तो आई डोंट केयर, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। जो लोग हंसेंगे, जो लोग बातें बनाएंगे, जो लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। जी तो दोस्तों, मैंने बनाया चैनल, अपना चैनल बनाने के बाद मैंने डेली रेगुलर जो है वो मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। जब मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी तो उसके बाद जो है ना व्यूज़ आ रहे थे, ना मेरा चैनल ग्रो कर रहा था और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। जी तो दोस्तों, फिर उसके बाद जो है वो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस चैनल को ख़त्म कर दूँ, मतलब कि बंद कर दूँ, कोई वीडियोज़ नहीं बनाऊँ। मैंने ये सोचा और ये सोचने के बाद मैं बड़ी मायूस सी बैठ गई। जब मुझे मेरी अम्मी ने मायूस देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अब वो सादा सी औरत, उन्हें क्या पता कि यूट्यूब क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। मैंने उन्हें आसान अल्फाजों में ये बता दिया कि मेरा चैनल तरक्की नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि जब समंदर में कूद गई हो तो हर मौज से लड़ना सीखो और सीख कर आगे बढ़ना सीखो। तो उनकी ये बात जो है वो मेरे दिल में घर कर गई और जो है वो मैं फिर दोबारा से वीडियोस बनाने लगी। तो मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि उन्हें ये मेरी तरह फीलिंग्स आ रही होंगी कि वीडियोस तो पता नहीं वीडियो सही बन रही नहीं बन रही, या मेरे चैनल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों ग्रो नहीं हो रहा, क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो वो भी मेरी तरह हो सकता है कि सोचें और सोच कर कहें कि छोड़ो बस, अब हमें नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका चैनल ग्रो करेगा। आपने मेहनत करनी है, लाजमी मेहनत करनी है और आपका चैनल ग्रो करेगा एक दिन, और जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो यही बात जो है वो मैंने सीखी और अपने ऊपर सबसे पहले मैंने अमल किया। मैंने अपनी छोटी सी वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैंने उसे अपलोड किया तो जो है वो मेरे पास जो उसका रिज़ल्ट आया मेरी वीडियो का, उसको देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। हालांकि उसमें व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़े, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़े और ना सब्सक्राइबर बढ़े। बस वो जो मुझे एनालाइज में गई ना, एनालाइज में मैंने देखा कि वहाँ पर जो है वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे वही खुशी हुई कि आज ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, कल और व्यूज़ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही नसीहत करूँगी और यही मशवरा करूँगी, ख्वाह वो कोई भी काम हो, दुनिया में कोई भी काम हो, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है और पीछे नहीं हटना। लोगों का नहीं सोचना कि वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। अगर हमने यही सुनना है तो हमें कुछ करना ही नहीं है फिर। तो हमें जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी और रोज़ डेली बेस पर हमें मेहनत करनी है और अपनी वीडियो को अपलोड करना है। और सबकी, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियोस को वॉच करके समझना है। अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई और तरीका अप्लाई करना है, मगर हिम्मत नहीं हारनी। तो दोस्तों, मेरी भी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर इस वीडियो से आप लोग सीखते हैं और आप लोगों के दिल में बात उतरती है तो मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फुल वॉच कीजिए। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।